हेलो, वेलकम टू कंसीडर्ड केमिस्ट्री। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस। ध्यान रखना कि मैंने जो क्वेश्चंस अभी तक कराया है 1 से 14 तक मैंने कराया है, ओके। 1 से 14 तक हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं 41 से। क्वेश्चंस नंबर का बात करते हैं, क्वेश्चंस नंबर 41 से 50 के बीच हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग करेंगे अभी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 कैसे होगा, चलो इसको डिस्कस करते हैं, ओके। आ जाओ, क्या बोला है कि कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ओके। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। आपको कंपेयर करना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, उसके बाद सबसे कम डिक्रीज स्टेबल की तरफ जाना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हो कि मेरे पास यहां देखो, ये मेरा साइनाइड है, और यहां पर अगर देखते हो कि क्या क्या है मेरे पास, देखो कंजुगेशन है कि नहीं, सिग्मा, यहां पर लोन पेयर, एक चीज ध्यान रखना, मैंने लोन पेयर नहीं बनाया, ठीक है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, और ये पाई सिग्मा लोन पेयर, कंजुगेशन इधर पूरा है। एक देखो, ऐसे बोल सकते हो पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर, ये पूरा कंजुगेशन है, ओके। यहां भी देखो, यहां भी देखो, मगर एक चीज यहां पर क्या हुआ है, यहां पर साइनाइड को माइनस और प्लस के फॉर्म में तोड़ के रखा है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट यहां देखो क्या किया है, यहां प्लस ऑक्सीजन, मतलब क्या किया, ये बॉन्ड बना के दिखाया है, ये प्लस के फॉर्म में, और कार्बन यहां पर माइनस के फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको रखा है, और साथ ही साथ यहां पर ऑक्सीजन प्लस के फॉर्म में रखा है, नाइट्रोजन निगेटिव में रखा है। अब क्वेश्चन उठता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको पता है जितने सारे मेरा बी है, सी है और डी है, ये सारे चार स्पेसीज है, और ए नंबर जो है न्यूट्रल स्पेसीज है, तो एक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपको पता है, ओके, ये आपको तो पता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करने वाले हैं, अब बी सी डी, बी में और सी में और डी में देखना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए कि नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है, कार्बन, अब एक काम करते हैं, बी को थोड़ा ध्यान देते हैं, क्या किया, इसको खाली तोड़ दिया, देखो इसको तोड़ के रखा नेगेटिव पॉजिटिव, और क्या किया है, पाई बॉन्ड को हमेशा क्या किया, ब्रेक करके रख दिया है, एक चीज ध्यान रखना। तो हम क्या बोले थे, कभी भी पाई बॉन्ड को तुम ब्रेक करके छोड़ नहीं सकते हो, अगर वो तुम छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, फिर कंबाइन होके वो क्या कर देगा, वो आपस में कंबाइन कर लेगा, उस फॉर्म में स्टेबल नहीं है। तो प्लस और माइनस फॉर्म को, प्लस और माइनस चार्ज को तुम अलग कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, उसको कुछ टाइम तक उसको रोक के रखे हुए हो, मतलब कहीं ना कहीं उसका स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हो, तुम स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो इस चीज ध्यान रखना, कभी भी ऐसा केस आ जाए तो हमेशा वही केस होता है, अनस्टेबल बहुत ही ज्यादा हो जाता है, मतलब बी सबसे खराब है, सबसे खराब होगा, ओके। अब आते हैं मेरे पास क्या है, सी एंड डी, सी एंड डी में ध्यान दो, यहां पर ऑक्सीजन प्लस चार्ज है, यहां भी ऑक्सीजन प्लस चार्ज है, यहाँ कार्बन नेगेटिव में है, मगर यहाँ पर नाइट्रोजन नेगेटिव में है, तो आप बताओ नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कौन रखता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, और नाइट्रोजन के पास क्या है, मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से, तो तुम ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव को, बट कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, उसका नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ए के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, फिर उसके बाद डी, डी के बाद होगा सी, और सी के बाद सबसे खराब कौन है, बी, आपको पता है क्यों, क्योंकि मेरे पास साइनाइड को ब्रेक होके ये बी जो तुम देख रहे हो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि किसी भी पाई बॉन्ड को तोड़ के तुम छोड़ नहीं सकते हो, अगर छोड़ देते हो, अगर तुम उसको पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, ब्रेक करने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तुम इसके और इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई किए हुए हो, जिसकी वजह से वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्टोर किया हुआ है, इसका हाईली अनस्टेबल प्रोसेस है, ओके। तो हम बोल सकते हैं क्या होना चाहिए, देखो ए डी सी बी, ए डी सी बी, आंसर क्या होगा, सी। इसको अच्छे से उतारे, आप समझे मैं कब से ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है क्या मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोलने जा रहे हैं, फिर से वही बात, अगर मान लो दो चार्ज को, अगर इसको नेगेटिव और पॉजिटिव कर दोगे, और दो चार्ज को तुम सेपरेट करके रखे हो, तो जबरदस्ती तुम सेपरेट, ये चाह रहा है कि क्लोज आ जाए, तुम सेपरेट करके रखे हो, तो तुमको ज्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसी इसकी वजह से क्या होगा, ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखता है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा इसके पास होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है मेरे पास, हाईली अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 42 में क्या बात आता है, 42 में तुमको ये देखना है, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ओके। अब हम लोग यह ध्यान रखना है कि ये तीन आपको दिया हुआ है, एबीसीडी, एबीसीडी, ओके, मैंने यहां पर लिखा नहीं है, आप ध्यान रखें, ये ए है, ये बी है, और यहां पर ये सी है। अब इसमें आपको ऑर्डर बताना है,
सर सबसे पहले बताइए ऑर्डर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा लेस होगा, फिर ये बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर बात करना है, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर वही कंसेप्ट लगाना है आपको क्या। देखिए ए जो है आपका प्लस है और ये नेगेटिव है, ओके डन, आगे बढ़ते बात करते हैं। बी देखिए न्यूट्रल है, बी न्यूट्रल है तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं ए एंड सी में। ए में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस चार्ज है, मगर अगर बात करते हैं सी नंबर में तो पॉजिटिव कहाँ है, कार्बन पर है, ओके यहाँ पर कार्बन नेगेटिव है, मगर यहाँ पर कार्बन नेगेटिव, देखिए कार्बन नेगेटिव नेगेटिव छोड़ दीजिए, कॉमन चीज है, ये भी प्लस ये भी प्लस। बताइए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन द कार्बन से, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन कार्बन से, ओके तो बताइए नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन कार्बन से। मगर एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ प्लस के फॉर्म में, यहाँ पर कार्बन प्लस के फॉर्म में, ओके ठीक है, बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि बताइए ए और सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए एंड सी में, ए एंड सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो आप शायद सोच रहे हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस रखा है या कार्बन प्लस रखा है, तो कार्बन यहाँ पर प्लस रखा है, तो इस चीज ध्यान रखें ये कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन से 2 8, ये प्लस रख सकता है, मैंने बताया था अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस रख सकता है, तो बताइए अनस्टेबल कौन है, इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, प्लस है मानते हैं, मगर मैंने क्या बताया था ऑक्टेट कंप्लीट रूल सबसे पहले, ओके इसलिए ध्यान रखना मैं ए ज्यादा होगा फिर इसके बाद क्या होगा सी ज्यादा होगा, तो ऑर्डर मेरा होगा बी सबसे ज्यादा फॉर न्यूट्रल केस एंड ए, और बी में ए ज्यादा है क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, भले नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है हाईली अनस्टेबल तुमको लग रहा है देन सी से, क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो प्लस चार्ज रखना चाहेगा, मगर ध्यान रखना यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए मैं इसको रेफरेंस पे ले रहा हूँ, ओके तो ध्यान रखना ऑर्डर ऑर्डर क्या होगा मेरे पास बी ए सी जो कि मेरा 42 का बी होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट करें। अच्छा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43 में मैं बात करने जा रहा हूं कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि फिर वही बात कंडीशन हो रहा है, तो अच्छे से गौर से देखें इसको, वही बात आ रहा है मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज क्या क्या हो सकता है, आप पहले करिए वीडियो को पॉज करिए इसको अच्छे से बनाइए ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर ध्यान देखिए कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां देखिए यहां भी कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है 1 2 3 4 हाइड्रोजन से 2 है 6, यहां देखिए यहां भी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, मगर यहां देखिए सारा ऑक्टेट कंप्लीट है, बस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, आपको बोले थे इग्नोर करिए क्यों, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 1 2 3 4 5 6 एक लोन पेयर है 7 8, ओके तो ऑप्शन क्या होगा डी, वही सारा कंसेप्ट लग रहा है बार बार, तो इसको आप ध्यान रखें, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए तो अच्छे से समझे क्या बोला है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर इसमें मोस्ट स्टेबल पूछा है, देखिए कैसे करिएगा बताइए, आइए फिर वही बात मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहले इसको करने से पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आप क्या करें आप इसको अच्छे से समझे अपने से बनाए, फिर इसके बाद फिर ये वीडियो देखे, ओके तो स्टार्ट करते हैं 44 का ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको बताया गया है, देखिए यहां कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन फाइंड करिए फटाफट, यहां भी कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, और सीधा सा बात है ये कार्बन ही 6 इलेक्ट्रॉन देखिए, मगर यहां भी देखिए पाई बॉन्ड को सिर्फ ब्रेक करके छोड़ दिया गया है, देखिए पाई बॉन्ड को एक इधर नेगेटिव एक पॉजिटिव बस इसको ब्रेक करके छोड़ दिया गया है, ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया ना, ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, ओके तो फिलहाल के हम ये बात बोल सकते हैं हमको तो मोर स्टेबल, हमको तो ऑर्डर नहीं सजाना है ना, हमको तो मोर स्टेबल दिखाना है, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन मार दीजिए आराम से देख के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन प्लस है मतलब क्या हो गया, देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम इजिली मिल गया, इतना इजी हो गया हम लोग को स्टेबिलिटी देखने का, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ओके बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं, बहुत इजी है, तो 44 का मैंने क्या मारा ए मारा, ओके आते 45 देखिए
मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिया है आपका, दिया हुआ है आपको देखिए मिथाइल ग्रुप दिया है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप दिया है, यहाँ सी एच टू ग्रुप है, ठीक है कटायन। अब आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका है। ओके चलो करते हैं इसका, इसको देखते हैं सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग, ये सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए ये कार्बन, ये ध्यान दीजिए ये कार्बन sp2 है, साथ ही साथ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा ऑलरेडी, ये पाई सिग्मा कटायन रेजोनेंस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रेजोनेंस। देखिए यहाँ पर अगर ये, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये बात है, ये कार्बन जो देख रहे हैं, ये मैं बना रहा हूँ जो, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 और 2, मतलब ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकटायन है, ये भी देखिए। ओके और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा ये कार्बन देखिए, यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप है, नहीं दिया है आपको समझना पड़ेगा वहां मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप देखिए ये प्लस भी रेजोनेंस कर रहा है, प्लस पाई सिग्मा कार्बोकटायन पाई सिग्मा, ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम ये बोलना चाहेंगे ये कार्बन जो है ये रेजोनेंस कर रहा है, ये भी sp2 है और साथ ही साथ इसमें देखिए ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बट ध्यान रखना है इसको ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है आपको पता ही है। ओके इसमें देखते हैं, ये देखिए ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp2 है, बट ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ओके और यहां भी देखिए ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp2 है, साथ ही साथ ये भी अगर बात करते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो अगर अगर 45 को मैं आंसर करूं, 45 को मैं अगर बोलूं आंसर, तो आप बोल सकते हैं ये क्या टर्शियरी है, टर्शियरी होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसको क्या मिलेगा, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ये मोर स्टेबल होगा देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, आपको पता ही है। ओके और साथ ही साथ ये रेजोनेंस इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यहाँ रेजोनेंस क्या, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, रेजोनेंस तो हो ही रहा है, मगर साथ ही साथ हमको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखना है, और यहाँ पर क्या है सेकेंडरी, यहाँ भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, यहाँ पर क्या है टर्शियरी कार्बोकैटायन। ओके बात समझ में आ क्या बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा लॉजिक आप लगा सकते हैं कि यहाँ टर्शियरी कार्बोकैटायन होने की वजह से रेजोनेंस का अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रहा है, मगर यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन इसलिए ये क्या है मोर स्टेबल है, इसलिए मैं मानूंगा बी को। ओके बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 46, इसमें भी आपको वही देखना है, ठीक है मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मगर यहाँ पर क्या है NH2 ग्रुप है, यहाँ पर आप देखिए NH2 ग्रुप है। अब यहाँ पर अगर NH2 ग्रुप को देख रहे हैं तो देखिए क्या होता है, ABCD आपको दिया हुआ है, ये देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देखिए ये भी देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है साथ ही साथ ये देखिए ये नाइट्रोजन है और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट अगर ये देखते हैं यहाँ वाला देखते हैं बी नंबर देखते हैं नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन देखिए 1, 2, 3, 4 और 2 हाइड्रोजन से 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज रखा है, बट मैंने बोला था इसको क्या करना है इग्नोर करना है, ठीक है इसको आपको क्या करना है इग्नोर कर देना है, इग्नोर करिए इसको। अब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं सर यहाँ भी तो सर इग्नोर कर सकते हैं, मगर यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने बॉन्ड है नाइट्रोजन का, देखिए 2 हाइड्रोजन से मैं यहाँ बना दे रहा हूँ और एक इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का भी तो बेसी होता है ना, तो ये भी एक लॉजिक लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन होगा सबसे ज्यादा होना चाहिए, 46 का क्या होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए, मोर स्टेबल है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, इग्नोर करना है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर यहाँ पर क्या 6 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज है, तो और भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कमी आ गया, और भी इलेक्ट्रॉन में कमी आ गया, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया डिफिशियंसी हो गया, इसलिए यहाँ बोल सकते हैं 46 का मैंने क्या माना बी माना। ओके फोर्टी सेवन नंबर क्या बोला है, यहां पर ध्यान दो कि मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमको बोला है, ठीक है ध्यान दो। तो सबसे पहले ये कंपाउंड ध्यान से देखो कि माइनस है और ये प्लस फॉर्म में, ये ऑलरेडी बॉन्ड को क्या किया है शिफ्ट तोड़ के छोड़ दिया है, मैंने ये बात बताया था कि जो बॉन्ड को छोड़ देता है बॉन्ड को ब्रेक करके आप छोड़ दीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, मगर इससे भी अनस्टेबल कंडीशन है वो कौन सा, सी नंबर थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले बी नंबर में आते हैं, देखिए ये प्लस है इसमें क्या है वही 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है सीधा सा बात है, यहाँ डी नंबर में देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, मगर डी और सी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है ध्यान दीजिए,
कि ये अगर ऑक्सीजन अगर तोड़ना भी जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये देखिए लाइक चार्ज आ जाएगा। अगर लाइक चार्ज आ जाएगा तो आपको पता है इसमें क्या होने वाला है, रिपल्शन, बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होगा। इसके वजह से ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। तो एक चीज ध्यान रखे, अगर लाइक चार्ज आ जाता है तो हाईली अनस्टेबल होता है इस कंडीशन से भी। और डी नंबर ध्यान रखिए, ये भी देखिए प्लस माइनस है, बस यहाँ माइनस ये प्लस है, यहाँ प्लस और माइनस है, इसको अगर तोड़ते हैं नेगेटिव तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड बना के क्या करता है, अपने आपको स्टेबलाइज कर सकता है। मगर यहां पर देख रहे हैं अगर ये बॉन्ड अगर बनाएगा तो यहाँ पर क्या प्लस प्लस क्या होगा, इसमें रिपल्शन होगा, तो इसलिए ये सी नंबर हाईली अनस्टेबल है। ओके, हाईली अनस्टेबल। मगर ए नंबर देखिए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हम बोल सकते हैं। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल अगर बात करते हैं इन सब में, अगर बात करते हैं इन सब में, देखिए इसमें इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस कुछ नहीं, ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड बना दिया है। ओके, मगर सबसे खराब, सबसे लेस स्टेबिलिटी अगर बात करते हैं हाईली अनस्टेबल का, वो कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि इसमें लाइक चार्ज है, हाईली अनस्टेबल, बात को समझिए। ओके, तो आप इसको अच्छा से नोट करिए। बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको हम उसको क्या करें, सॉल्व करें। तो ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव लाइक चार्ज इसलिए है, हाईली अनस्टेबल है, इससे भी ज्यादा अनस्टेबल है। ओके, अब ध्यान बात करते हैं 48 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन तुम बना रहे हो सब के सब ये बोर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट एमसीक्यू है, डायरेक्ट ये कंपटीशन जेई और कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेसिस पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 48 में, ये आपको ग्राफिकली अगर आपको दिया है एनर्जी के बेसिस पर, और नीचे फॉर्मिक एसिड है। ये फॉर्मिक एसिड का अगर बात करते हो, ए एन बी एन सी एन डी, ये फॉर्मिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिया है, और इसमें बोला है कि बी कौन सा स्ट्रक्चर है, ये बी जो देख रहे हैं ए बी सी डी में से कौन सा स्ट्रक्चर बी होगा। तो ध्यान दीजिए, ए ए के पास पहले देखिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, ए का एनर्जी यहां पर होगा, बी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी यहां पर होगा, सी का यहां पर होगा, और डी का कहां होगा, यहां होगा। अगर डी का बात करते हैं तो ये हाईली एनर्जी वाला है, मतलब हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड होगा। और अगर सिर्फ अगर ए बात करते हैं तो ए क्या है, यहाँ पर ए फॉर्मिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ही लेस एनर्जी है, बहुत ही लेस एनर्जी है, मतलब हाईली स्टेबल। ये क्या होगा, ये क्या बोल सकते हो, ये हाईली स्टेबल। ये क्वेश्चन आपको हाईली स्टेबल से पूछता है तो आप कर सकते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है इसके पास। तो हमको पॉइंट करना, हमको बी पूछा है, हमको ना ए पूछा है ना डी पूछा है, हमको बी पूछा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे पहले आप स्टेबिलिटी निकालिए ए बी सी बी से कौन ज्यादा है, फिर उसके बाद बी का निकालिए, ऑर्डर सजा लीजिए। ओके, ये पांच पॉइंट नोट करना है। तो 48 का अगर आप सॉल्व करते हो, 48 का अगर सॉल्व करते हो तो ध्यान दीजिए, मैं पहले ऑर्डर सजा लेता हूं। मैंने इसका ऑर्डर आपको दिया भी है, अभी देखे हुए इसका ऑर्डर मैंने आपको दिया भी है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का अगर बात करते हो, देखिए सबसे पहले न्यूट्रल स्पेसिस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो मतलब ए कौन है, ये ए ऑप्शन, ये फॉर्मिक एसिड, मतलब ए कौन है यहां पर, सॉरी ए कौन है यहां पर, ध्यान दो, कैपिटल ए कौन होगा, एच सी डबल ओ ओ एच, ये होगा। अच्छा, बी कौन होगा, और जो कि ए ज्यादा स्टेबल है, ए नंबर ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, फिर इसके बाद बात करते हैं इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सारा ऑक्टेट कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन रख सकता है, मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद बी होगा। ठीक है, सी नंबर बात करते हैं और डी में बात करते हैं। सी में देखिए ऑक्सीजन ये सी बॉन्ड को तोड़ा है, देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव, बस यही किया है, और इसमें क्या किया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कर दिया, मतलब नीचे तोड़ दिया है डी नंबर ऑप्शन में। तो अगर ऑप्शन में देखिए हम ये बोल सकते हैं ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव रखना नहीं चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये नेगेटिव रखना ही चाहेगा, तो हम बोल सकते हैं सी और ये डी। हम मैंने ऑर्डर आपको बताया था, तो बताइए इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप सजा सकते हैं, ए कौन है, लिस्ट एनर्जी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, ये स्टेबल का ऑर्डर मैंने सजाया है, एनर्जी का नहीं, एनर्जी सबसे लिस्ट किसका है, एनर्जी का ऑर्डर अगर बात करते हैं तो क्या, ए का सबसे कम, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। तो बताइए एनर्जी किसका ज्यादा है, डी का, मतलब डी कौन है, ये वाला। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं बी कौन है, बी कौन है यहां पर, एच सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, और सी कौन है यहां पर, एच सी ओ माइनस ए प्लस ओ एच, और डी यहां पर कौन है यहां पर, सॉरी कैपिटल होगा, एच सी ओ प्लस माइनस सबसे अनस्टेबल, मतलब आपको कैपिटल डी जो है वो ये है। तो बताइए बी कौन है, ऑप्शन बी, मार सकते हैं ना, कैंपर करिए, ये बी, मतलब ए से ज्यादा, ए से कम एनर्जी वाला, ज्यादा एनर्जी वाला, ए से ज्यादा एनर्जी कौन है, बी, मतलब ये बी है, ये कैपिटल सी है, डी है, और ये क्या है, ए है।
समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा ऑब्जर्व करें, समझिए अच्छे से। ओके, इसको अच्छे से उतारिए, आगे बात करते हैं। 49 49 में चीज ध्यान दीजिए, 49 में क्या है कि एकदम सेम पूछा है एनर्जी एंड यहां पर कौन है, या ए एंड बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ए एंड बी या किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको अब ये पहचानना है कि यहां पर कौन है, कौन से कंपाउंड का ये आपका ग्राफ खींचा गया है। तो ए बी मतलब क्या, देखिए ए का भी यही एनर्जी है, बी का भी यही एनर्जी है, मतलब हम ये बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी। बी मतलब दोनों आपस में एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड जो ए एंड बी, मतलब कोई कंपाउंड है आपका, कोई कंपाउंड है जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए भी है प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी भी है। तो बताइए दोनों का रेजोनेटिंग ए एंड बी दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है, वो कौन सा कंपाउंड है फाइंड करना है। तो आप क्या देखेंगे, ये देख नजर आ रहा है आपको, ये कैसे देखिए, इस दोनों का इक्वल आरएस मैंने आपको बताया था, इसको अगर ब्रेक करिएगा, इसको आप अगर ब्रेक करिएगा तो बताइए क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम ही आएगा ना, देखिए ना सी एच थ्री सी ओ माइनस, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये दोनों कैसा है, ए ये ए है और ये बी है, तो बताइए कि ए एंड बी दोनों का एनर्जी सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये और ये, क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, बस इस कंपाउंड को क्या कर दिया, आप पलट दीजिए, ये ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड सेम है, तो एक कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड भी है, यहां डबल बॉन्ड है, सेम है, सेम है ना। तो बताइए वो कौन सा हो सकता है, सी हो सकता है, देख के बता सकते हैं आप। ओके, तो मतलब ए एंड बी का एनर्जी सेम होगा, इसलिए ए एंड बी कौन सा कंपाउंड का होगा, इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना भी आप बनाइएगा दोनों का एनर्जी सेम आएगा। ओके चलिए 50 करते हैं। 50 नंबर में ये आपको बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन का आपका दिया है माइनस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और साथ ही साथ ये दिया है ए एंड बी सी, बताइए इनमें से ए बी और सी डी में से कौन सा स्ट्रक्चर्स आपका ग्राफ जो प्लॉट किया गया है वो सही है कि नहीं है। ये तो बात तो फिक्स्ड है, ए बी सी तीनों का एनर्जी सेम नहीं हो सकता क्योंकि तीनों का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो आप ये बोल सकते हैं ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, बोल सकते हैं। और ये भी तो नहीं हो सकता क्योंकि ए और सी दोनों का, ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। और एक चीज ध्यान रखिए, ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब चलिए ऑर्डर समझते हैं, CO2 इज द न्यूट्रल स्पीसीज, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए सबसे ज्यादा स्टेबल, मैं ऑर्डर लिख रहा हूं स्टेबल का, फ्री एनर्जी का मैं कर लूंगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए। फिर देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पर देखिए इस कंपाउंड पर ध्यान दीजिए, तो देखिए यहां पर क्या किया गया, बस यहां पर तोड़ा गया नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड तोड़ के छोड़ दिया गया है। मैंने क्या बताया था, बॉन्ड अगर तोड़ के छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, मैंने बताया था आपको हाईली अनस्टेबल, मैंने आपको बताया था। और ये कंडीशन क्या है, कुछ नहीं, इसमें तो रेजोनेंस हुआ है, ये पॉजिटिव हो गया, ये लोन पेयर है, ये बना दे दोगे तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव पॉजिटिव लेके एक नया बॉन्ड बन जाएगा थर्ड बॉन्ड। तो ये हम बोल सकते हैं ए ज्यादा स्टेबल होगा, फिर यहाँ कौन होगा, सी ज्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन होगा, बी स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि बी सबसे कम स्टेबल होगा, सॉरी मैं गलत बोल दिया,
मैं गलत बोल दिया, ओके क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, सी हाईली अनस्टेबल होगा, ए के बाद बी होगा, बी के बाद कौन होगा, सी, ओके तो बताइए ये स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है, ये तो हाईली अनस्टेबल है ना, तो बताइए ए बी सी, तो एनर्जी का ऑर्डर अगर लिखते हैं तो बताइए एनर्जी का ऑर्डर कौन होगा, ए सबसे कम होगा फिर बी होगा सबसे ज्यादा सी का होगा, अब चेक कर लीजिए ए सबसे लेस एनर्जी फिर बी उससे ज्यादा फिर सी ज्यादा, मतलब आंसर क्या है 50 का सी है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, मैंने यहां पर आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन करवाया, ठीक है। तो हर वीडियो पर वीडियो पर आप क्या करें, लाइक जरूर करें, ठीक है, शेयर भी करें कोशिश करें, और साथ ही साथ जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है, जरूर करें, ठीक है। चलो फटाफट आप इसको नोट करिए, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट, इसको भी नोट लीजिए। और ध्यान रखना कि नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग 50 से 51 से लेकर 103 तक, मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप खुद से करें, आप पहले ये इसको ट्राई करें, ट्राई करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको रहने दीजिए, वेटिंग में रखिए, वेट करिए आराम से, जब ये मैं कल नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा फिर इसको आप हर वीडियो को आप देखें। हाँ, जो बच्चे क्या कर रहे हैं कि वीडियो को नहीं देख रहे हैं, जैसे उसका उनका क्वेश्चन बन गया है, जैसे मेरा क्वेश्चन 1 से 10 तक मेरा वीडियो है, ओके, और इसमें क्या है एक डाउट है आपका, तो आप सिर्फ उसी वीडियो को मत देखिए, मतलब हर क्वेश्चन को देखिए, हर क्वेश्चन आपका अगर बन भी गया है, हो सकता है बच्चे गलत लॉजिक लगाकर सॉल्व कर ले और उसका आंसर भी आ गया है, अगर गलत सोचा है तो हो सकता है वो एप्लीकेशन अगर दूसरा बच्चा अगर सोच लेता है दूसरे क्वेश्चन पे, हो सकता है उसका रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन को स्पेसिफिक आप देखें वीडियो को, अगर आपका क्वेश्चन बन भी गया है तभी देखिए कि हाँ ये मेरे सर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके अगर मैच कर रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो अपना स्टेटमेंट चेंज करिए सर के साथ, फिर उसमें सर कैसे समझा रहे हैं उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है, बात समझ में आया, ओके बाय।